सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में। तो रेडमी का जो नोट सीरीज है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है और डेफिनेटली जब रेडमी अपने नोट सीरीज में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है उसके बाद उसी स्मार्टफोन का सक्सेसर के लिए लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। रेडमी का जो नोट 8 प्रो आया था वो काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन अभी भी 15,000 के प्राइस कैटेगरी में बना हुआ है। अब उसी स्मार्टफोन का सक्सेसर रेडमी का नोट 9 प्रो आने वाला है। इसके कुछ लेटेस्ट लीक्स यहां पर निकल के सामने आए हैं, वही आज आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहां भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले बात करते तो रेडमी नोट 9 प्रो का यहां पर रेंडर निकल के सामने आ चुका है। तो इसका जो बैक साइड का डिजाइन है इसे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यह सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज के डिजाइन की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा जो कि सैमसंग के S10 सीरीज की तरह यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है। तो बैक साइड का डिजाइन तो मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, लेकिन जो फ्रंट साइड का डिजाइन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सेंटर में पंच होल डिस्प्ले मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का बात होगा और 2020 में आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है। तो जो रेडमी का नोट 9 प्रो आने वाला है इसमें बताया जा रहा है कि आपको मीडियाटेक का ही चिपसेट मिलेगा, क्योंकि देखिए आज के टाइम में बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको एक क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G वाला चिपसेट। ये आप लोगों को पोको के X2 में मिला और रियलमी के X2 में मिलता है। लेकिन रेडमी का जो नोट 8 प्रो में आपको मिलता है मीडियाटेक का G90T, वो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और अगर आप लोग कंपेयर देखते होंगे तो स्कोर भी 730G से ज़्यादा मीडियाटेक का G90T का यहाँ पर आता है। तो डेफिनेटली अगर रेडमी नोट 8 प्रो का यहाँ पर सक्सेसर आता है तो रेडमी चाहेगा कि उससे भी और ज़्यादा पावरफुल चिपसेट वो लोग दे। तो रेडमी का जो नोट 9 प्रो आएगा यहाँ पर आपको मिलेगा मीडियाटेक का डायमंड सेटी 800 वाला चिपसेट जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो मीडियाटेक का चिपसेट है ये 5G को सपोर्ट करता है। ये जो चिपसेट है ये 5G को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है कि क्या रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जो मीडियाटेक का डायमंड सेटी 800 का चिपसेट है ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और इसमें आप पबजी एक्सट्रीम और स्मूथ सेटिंग में खेल सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का बात है। 7nm के ऊपर ये चिपसेट बना हुआ है तो नो डाउट ये चिपसेट काफ़ी पावरफुल यहाँ पर होने वाला है। और रही बात रेडमी नोट 9 प्रो की प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन आएगा 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में, यानी कि जो बेस वेरियंट आएगा इसकी प्राइसिंग लगभग 15,000 या फिर 16,000 होने वाला है। तो डिजाइन भी निकल के सामने आ चुका है, कुछ स्पेस भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है कि आपको ये सारी स्पेस रेडमी के नोट 9 प्रो में देखने को मिलेगा। अब बस इंतजार है कि ये स्मार्टफोन कब आएगा। कुछ लोग तो ये बोले कि शायद चाइना में जो कोरोना वायरस फैले हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर रेडमी के नोट 9 प्रो की जो लॉन्च डेट है उसमें यहाँ पर डिले होने वाला है। अब देखते हैं कितना डिले होगा। रही बात तो फेब के मंथ में ही आने का बात है लेकिन अभी तक कुछ रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आया। इसका मतलब आप लोग सोच सकते कि लगभग मार्च या फिर अप्रैल में जाके आपको रेडमी का नोट 9 प्रो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि चिपसेट तो मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि वो लोग तो 730G देंगे नहीं, क्योंकि उससे वो लोग ऑलरेडी G90T को कंपेयर किए हैं कि हम उससे ज़्यादा तो G90T पावरफुल है, तो सक्सेसर लाएंगे तो डेफिनेटली उससे पावरफुल चाहिए। तो डायमंड सेटी 800 चिपसेट यहाँ पर देगा क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम है और रेडमी हमेशा अब प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसका जो स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होगी वो भी काफ़ी कम यहाँ पर होने की उम्मीद है। तो आप लोग क्या रेडमी के नोट 9 सीरीज़ के लिए वेट करेंगे? क्या आप लोगों के इसका डिज़ाइन पसंद आया? मुझे तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी लगा। कोई बात नहीं, कैसा भी डिज़ाइन दे, चिपसेट काफ़ी पावरफुल है, डिस्प्ले काफ़ी पावरफुल है, लेकिन एक आप लोगों को सरा सुन के ठीक नहीं लगेगा कि जो रेडमी का नोट 9 प्रो आएगा शायद यहाँ पर भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल सकता है जहाँ तक लग रहा है। अब देखते हैं कि फाइनली कौन सा डिज़ाइन यहाँ पर आता है और क्या हमें रेडमी यहाँ पर ये चीज़ें देता है या फिर नहीं देता है। कैमरा भी काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। तो आप लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।